हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने डकैती के मामले में शामिल एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, जिसके पास से पुलिस ने 2500 रुपए और शिकायतकर्ता का आधार कार्ड भी किया बरामद। आरोपी के ऊपर चोरी का एक मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें वो गिरफ्तार भी किया गया था। उसे मुकदमे में उसे कुछ ही दिन पहले जमानत भी दी गई थी। दरअसल 11 जून को महेंद्रा पार्क थाना पुलिस को डकैती की सूचना मिली। शिकायतकर्ता देवेंद्र ने बताया कि वह सब्जी मंडी आजादपुर गए थे। वहां पर दो अज्ञात लड़के आए, जिनमें से एक ने पीछे से आकर उन्हें दबोच लिया और दूसरे ने उनसे चाकू की नोक पर 5000 रुपए नगद और कुछ दस्तावेज लूट लिए और मौकाए वारदात से फरार हो गए। अपराध की गंभीरता को देखते पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि एक संदिग्ध इलाके में घूम रहा है, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर नशे की लत को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की पहचान गिरीश के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने शिकायतकर्ता के 2500 रुपए और आधार कार्ड बरामद किया है। आरोपी पहले आदर्श नगर थाने के तहत चोरी के एक मामले में शामिल है, जो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया है। फिलहाल पुलिस उसके सहयोगियों का पता लगाने में जुट गई है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट।